अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल सो हम लोग कंप्यूटर में हार्डवेयर के बारे में पढ़ रहे हैं अभी ऐसे तो टॉपिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है बट उसमें पर्टिकुलरली हार्डवेयर पढ़ रहे हार्डवेयर में भी हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में हमने कल डिस्कस किया था तो आज हम आउटपुट डिवाइस पर आने वाले क्वेश्चन के पैटर्न को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी पीवाई क्यूज है उसको डिस्कस करेंगे राइट ओके okay. सो so, प्रियंका गुड मॉर्निंग मैम वेरी गुड मॉर्निंग टू यू प्रियंका ओके ठीक है क्लास को स्टार्ट करने से पहले आई uh, कि मैंने और हिमानी मैम ने हम लोगों ने एस एस सी को टारगेट करने वाला एक क्विज बैच लॉन्च किया है ठीक है चार दिसंबर से वो लॉन्च हो चुका है यहाँ पर आपको हर टॉपिक पर मतलब हर टॉपिक पर काफी क्वेश्चन करवाए जाएंगे और हर सब्जेक्ट पर आपको जो है थ्री थाउजेंड प्लस लेटेस्ट के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू आपका भी बिल्ड किया जाएगा साथ ही फ्री जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं आपको क्योंकि हर जगह हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड नहीं किए जाते आपको खुद को नोट्स बनाना होता है जिसकी वजह से आप प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते ठीक है कि भाई नोट्स बनाए या बात को सुने इस पर फोकस नहीं हो पाते तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन यहाँ पर है कि आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ठीक है साथ ही क्वेश्चन जो है क्विज आपको करवाया जाएगा ताकि, आ, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत बेटर हो जाए और प्राइस बहुत ही ज्यादा मिनिमम है 399 है अगर आप चाहते हो तो आप इसको परचेस कर सकते हो ये सिर्फ और सिर्फ एस एस नहीं जितने भी एस से रिलेटेड आपके एग्जाम्स हैं उन सबको टारगेट करेगा उन सब में आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बेटर कर देगा ठीक है सो इफ यू वॉन्ट आप जाकर इसको परचेस कर सकते हो ओके okay, चलो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर तो पहला क्वेश्चन क्या है पहला क्वेश्चन है आपका एक मिनट हाँ, हाँ. ठीक है पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई ऑफ द इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है ठीक है ऑप्शन में है आपका प्लॉटर मॉनिटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और बार कोड रीडर ठीक है साक्षी राठी गुड मॉर्निंग मैम अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू साक्षी ओके ठीक है चलो बताओ भाई कौन सा जो डिवाइस है आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है इनमें से प्लॉटर मॉनिटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और बारकोड रीडर ये वाले जो आउटपुट आउटपुट और इनपुट वाले क्वेश्चन है ना आप जब ये पी वाई यूज करोगे इन्हीं से ही आपको वो चीजें रट जाएंगी इनकी डेफिनेशन रट जाएगी क्योंकि यही डेफिनेशन पर या टाइप पर ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो बताओ भाई क्या होगा प्रियंका डी बार कोड रीडर क्या बात है प्रियंका बहुत बढ़िया साक्षी राठी डी बारकोड रीडर बहुत बढ़िया हां जी बारकोड रीडर जो है वो तुम्हारा क्या है वो तुम्हारा इनपुट डिवाइस है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है उसके अलावा प्लॉटर मॉनिटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ये सब क्या है तुम्हारे आउटपुट डिवाइसेस है अब मेरा यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन है कि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो कौन से टाइप का प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है बताओ भाई वो इंपैक्ट प्रिंटर है या आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बताओ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इंपैक्ट प्रिंटर ठीक है ये क्या है आपका इम्पैक्ट प्रिंटर वेरी गुड प्रियंका बहुत बढ़िया इम्पैक्ट प्रिंटर है आपका चल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है आपके ऑप्शंस में है स्कैनर प्रोजेक्टर एमआईसी या दैट इज योर मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन और ओसीआर ठीक है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसमें से कौन सा जो है आपका आउटपुट डिवाइस है डायरेक्ट आपसे यही पूछा गया तो बताओ भाई इसमें से कौन सा आपका जो है आउटपुट डिवाइस है स्कैनर प्रोजेक्टर बताओ साक्षी राठी इंपैक्ट प्रियंका इंपैक्ट वेरी गुड साक्षी एंड प्रियंका चलो बताओ भाई प्रियंका स्कैनर देखा मैंने तुम लोगों को क्या बताया था मैंने बोला था ना स्कैनर और प्रिंटर दोनों में कंफ्यूज नहीं होना ठीक है दोनों जो है इसमें काफी बच्चे आई डोंट नो वाई कंफ्यूज रहते हैं इसलिए वो हमेशा क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं ठीक है इसका आंसर स्कैनर नहीं होगा बच्चे स्कैनर जो है वो तुम्हारा इनपुट डिवाइस होता है ठीक है स्कैनर तुम्हारा इनपुट डिवाइस होता है तो ये वाला ऑप्शन कट हो गया आगे बचता है तुम्हारा प्रोजेक्टर एमआईसीआर और ओसीआर बताओ क्या होगा साक्षी राठी ए नहीं होगा भाई स्कैनर नहीं होगा स्कैनर इनपुट डिवाइस है इसलिए मैंने आपको पूरी लिस्ट लिखवाई थी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो चलो बताओ आगे देखो स्कैनर एम आई सी आर और ओ सी आर ये तीनों क्या है तुम्हारे ये तीनों के तीनों तुम्हारे इनपुट डिवाइस है इनसे आप क्या है कंप्यूटर के अंदर डेटा को फीड करते हो ठीक है इसलिए ये हम इनको इनपुट डिवाइस बोलते हैं बाकी जो तुम्हारा प्रोजेक्टर है कल ही मैंने तुमको लिखवाया था कि जो तुम्हारा प्रोजेक्टर है वो क्या है तुम्हारा ये तुम्हारा आउटपुट डिवाइस है क्यों क्योंकि आउटपुट डिवाइस का काम होता है जो भी डेटा प्रोसेस हुआ है या जो भी क्वेरी कंप्यूटर के अंदर डाली गई थी उसका रिजल्ट शो करना तो जो प्रोजेक्टर है वो रिजल्ट शो करता है इसलिए प्रोजेक्टर को प्रोजेक्टर क्या है आपका आउटपुट डिवाइस में राइट आपको मूवी देखनी है प्रोजेक्टर पर आपने लगाई कमांड दी कंप्यूटर को उसने प्रोसेस किया और मूवी आपकी चलने लगी आपको रिजल्ट शो हो गया राइट right? प्रेजेंटेशन है प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर की मदद से आप शो कर सकते हो तो ये क्या है आपका प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है उसके अलावा एमआईसीआर और तुम्हारा ओसीआर ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं इसलिए मैं बार-बार बोल रही हूं कि कुछ और याद करो या ना करो लेकिन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन-कौन से ये आप जो है अच्छे से याद कर लो ओके okay. नील नील टू यूज अ कैरेक्टर कैरेक्टर प्रिंटर प्रिंटर अमंग द फॉलोइंग शुड ही पिक एक character printer का उपयोग करना चाहता है उसे निम्नलिखित में से किसे चुनना चाहिए चेन प्रिंटर को लेजर प्रिंटर को ड्रम प्रिंटर प्रिंटर को या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ठीक है प्रियंका प्रोजेक्टर ओके ठीक है बताओ भाई उसको किस इसमें किसको चूज करना चाहिए उसको देखो इसका आंसर शायद तुमको नहीं पता होगा तो मैं बताती हूँ प्रिंटर के बारे में हमने पढ़ा था प्रिंटर में हमने इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में पढ़ा था राइट right? ओके okay. तो यहां पर इम्पैक्ट uh, और नॉन इम्पैक्ट दोनों को मिक्स कर दिया गया ठीक है नॉन इम्पैक्ट में आपका लेजर और इंक जेट आ गया बाकी सारे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आता है डॉट मैट्रिक्स हो गया चेन हो गया ड्रम हो गया ये सब आपके किस में आ रहा है इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आ रहा है पहली चीज यहां पर आपको क्लियर हो गई अब ये किस तरह से काम करते हैं उसको देख लेते हैं यहां पर क्या चाहिए नील को एक ऐसा प्रिंटर चाहिए जो कैरेक्टर चाहे वो हो, तो लेटर हो अल्फाबेट हो सिंबल हो वो वन बाय वन उसको प्रिंट करे ठीक है तो ये जो वन बाय वन कैरेक्टर से कैरेक्टर एट अ टाइम एक कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए हमें जो प्रिंटर चाहिए होता है वो तुम्हारा होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक टाइम पर एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है और इसलिए ये आपका इंडियन रेलवेज में यूज किया जाता है ठीक है इंडियन रेलवे में इसको यूज करते हैं, ठीक है उसके अलावा अगर चेन प्रिंटर की बात करूं तो यहां पर कॉन्टिन्यूसली आपका जो है कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे होते हैं इसलिए इसको चेन कहा जाता है लेजर में लेजर का इस्तेमाल कर जो भी टेक्स्ट है या कैरेक्टर्स है उसको आपका पेस्ट कर दिया जाता है पेपर के ऊपर और ड्रम प्रिंटर में एक रोटेटिंग ड्रम होता है जिसके ऊपर कैरेक्टर्स छपे हुए होते हैं ठीक है uh, जैसे पैड uh, होता है ना स्टैंप पैड पे आपकी स्टैंप लगी हुई होती है उभरे हुए कैरेक्टर्स होते हैं और वही रोटेटिंग ड्रम पर वो उभरे हुए कैरेक्टर ऐसे आपके पेपर पर प्रिंट होते चले जाते हैं ठीक है थीके? आर के दिवाकर हेलो मैम हेलो आर के दिवाकर ओके नेक्स्ट इज योर व्हाट इज एन आउटपुट डिवाइस दैट ट्रांसफॉर्म्स द सिग्नल फ्रॉम द कंप्यूटर साउंड कार्ड इन टू ऑडियो वह आउटपुट डिवाइस क्या है जो कंप्यूटर के साउंड कार्ड से सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है आपके ऑप्शन है स्पीकर प्लॉटर ग्राफिक कार्ड और मॉनिटर वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है जो आपका क्या है सिग्नल को कंप्यूटर के साउंड कार्ड से आने वाले सिग्नल को ऑडियो में बदल देता है बताओ भाई कौन सा होगा बताओ कौन सा होगा स्पीकर स्पीकर जो होता है वो क्या करता है देखो स्पीकर को काम करने के लिए साउंड कार्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर आपको वीडियो प्ले करनी है तो आपके पास वीडियो कार्ड का कंप्यूटर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है तो जो साउंड कार्ड होता है साउंड कार्ड क्या होता है वहां से स्पीकर जो है वो आपका प्लॉटर नहीं होगा बच्चे ठीक है प्रियंका स्पीकर वेरी गुड प्लॉटर नहीं होगा वहां से क्या होगा आपका जो साउंड कार्ड से स्पीकर जो है जो भी आपके साउंड सिग्नल्स होते हैं उन साउंड सिग्नल्स को आपका कैरी करता है और फिर बाद में वो उसको कन्वर्ट कर देता है ऑडियो में आप प्लॉटर को अगर चूज कर रहे हो तो प्लॉटर जो थ्री डी ऑब्जेक्ट होते हैं थ्री डी प्रिंट आउट्स हमें लेने होते हैं या फिर किसी मैप का प्रिंट आउट हमें लेना होता है तो वहां पर हम प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं प्लॉटर बिल्कुल प्रिंटर की तरह होता है लेकिन यहाँ पर एडवांस्ड प्रिंटिंग की जाती है ठीक है इसलिए प्लॉटर और प्रिंटर में आप कंफ्यूज नहीं होने गए ठीक है चलो नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है आपके ऑप्शन में है स्पीकर की बोर्ड प्लॉटर और प्रिंटर बताओ भाई इनमें से कौन सा जो है वो आपका इनपुट डिवाइस है स्पीकर कीबोर्ड प्लॉटर और प्रिंटर अभी हमने पढ़ा प्रिंटर और प्लॉटर प्लौ, के बारे में अभी हमने पढ़ा कि अगर नॉर्मल कैरेक्टर सिंबल्स आपको कोई डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालना है तो आपको प्रिंटर यूज करना है अब वो आपके ऊपर है कि आप इम्पैक्ट प्रिंटर यूज करते हो या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज करते हो उनके आपको टाइप्स भी बता दिए गए राइट प्लॉटर अगर आपको एडवांस टाइप की प्रिंटिंग निकालनी है तो हम प्लॉटर करेंगे और दोनों ही क्या है एक तरह से रिजल्ट शो कर रहे हैं ठीक है आप जो चाहते हो उसको वो शो कर रहे हैं तो इसलिए क्या है ये दोनों आपके आउटपुट में हो गए ठीक है उसके अलावा स्पीकर भी आउटपुट में होता है बचता क्या है तुम्हारा कीबोर्ड कीबोर्ड का इस्तेमाल हम इनपुट फीड करने के लिए करते हैं इसलिए इसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं ठीक है ठीके? ओके आकाश राधे राधे मैम राधे राधे मैम आपकी इंस्टा आईडी बता दो आ, इंस्टा पे आप मुझे खुद ढूंढो इतनी मेहनत खुद करो ठीक है ओके आकाश कीबोर्ड मुदत कीबोर्ड ओके चलो नेक्स्ट स्पीड ऑफ डैश प्रिंटर इज मेजर्ड इन कैरेक्टर्स पर सेकंड. डैश प्रिंटर की गति कैरेक्टर प्रति सेकंड में मापी जाती है ऑप्शन है आपके पास डॉट मैट्रिक्स लाइन इंकजेट और लेजर बताओ भाई क्या होगा इसका आंसर मुदत डॉट मैट्रिक्स क्या बात है मुदत वेरी गुड हां जी अभी आपको बताया ना कि जो डॉट मैट्रिक्स है वो क्या है एक टाइम पर एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है ठीक है तो कैरेक्टर टू कैरेक्टर ये प्रिंट करता है और यहां पर आपसे क्या बात की गई है यहां पर आपसे बात की गई है कि उस प्रिंटर की स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं आपका कैरेक्टर पर सेकेंड के हिसाब से या कैरेक्टर प्रति सेकेंड के हिसाब से कि हर सेकेंड में वो कौन सा कैरेक्टर आपका जो है प्रिंट कर रहा है तो वो है आपका डॉट मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ओके उसके बाद एक और चीज यहां पर आपसे पूछी जाती है वो आपकी लाइन प्रिंटर के ऊपर पूछी जाती है बात अगर हम स्पीड की कर रहे हैं कि एक सेकंड में कितने कैरेक्टर्स जो है आपका प्रिंट किए जा रहे हैं तो यहां पर एक क्वेश्चन आपका जो है लाइन के ऊपर भी आ जाता है कि जो लाइन प्रिंटर है वो एक मिनट में कितने कैरेक्टर्स को प्रिंट करते हैं तो तीन से तीन कैरेक्टर्स जो है एक मिनट में आपका लाइन प्रिंटर्स आपका प्रिंट करते हैं वो एक मिनट में पूरी की पूरी लाइन को ही आपका प्रिंट कर देता है ठीक है ओके क्स्ट विच अमंगज इन करेक्ट अबाउट लेजर प्रिंटर्स लेजर प्रिंटर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है ठीक है चार ऑप्शन दिए गलत वाला ऑप्शन आपको चूज करना है पहला है यूजेस लेजर राइट लाइट फॉर प्रोड्यूसिंग डॉट्स टू फॉर्म कैरेक्टर्स ऑन अ पेज लेजर राइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो पेज है आपका पेज पर कैरेक्टर को फॉर्म करने के लिए कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम मल्टीपल कॉपीज एट अ टाइम आपका जो है प्रिंट आउट कर सकते हैं फास्ट स्पीड होती है ठीक है और सपोर्ट मल्टीपल फॉन्ट मल्टीपल फॉन्ट और साइजेस को सपोर्ट करते हैं ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कैरेक्टर्स मैंने आपको लिखवाए थे जब मैं आपको नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स करवाया था तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के कुछ फीचर्स कुछ कैरेक्टर मैंने आपको लिखवाए थे तो उसके हिसाब से आप जो है सही और गलत चूज कर सकते हो तमन्ना पाठक गुड मॉर्निंग मैम अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू तमन्ना पाठक तो बताओ भाई क्या होगा इसका मुदत सेवेंथ का बी प्रियंका ठाकरी बी ठीक है कैन प्रिंट मल्टीपल कॉपीज एट द टाइम वेरी गुड लेजर प्रिंटर और इंक जेट प्रिंटर प्रिंटर्स जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आते हैं ठीक है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में यानी पेज के ये डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आते और जो इम्पैक्ट प्रिंटर्स है वो पेज के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आते हैं इसलिए उनको इम्पैक्ट प्रिंटर्स की कैटेगरी में रखा गया है ठीक है पहली चीज दूसरी चीज जितने भी आपके नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स होते हैं वो काफी फास्ट स्पीड में काम करते हैं मल्टीपल फॉर्ड और साइजेस को या जो है ये आपका सपोर्ट करते हैं और लेजर राइट का इस्तेमाल करते हैं बट द ओनली थिंग जो ये नहीं कर पाते वो ये कि आपके जो है मल्टीपल मल्टीपल कॉपीज को एक साथ प्रिंट नहीं कर सकते ठीक है ओके तो इसलिए बी इज अ करेक्ट आंसर चलो नेक्स्ट ंग दिवाइस इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट निम्नलिखित में से किस डिवाइस को विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी वीडियो के रूप में भी जाना जाता है आपके ऑप्शन में आता है प्रिंटर स्कैनर ट्रैक बॉल और मोटार ठीक है बताओ भाई क्या होगा वही सोचो ये गलत है मोटार नहीं है वो मॉनिटर है ठीक है मॉनिटर है वो प्रिंटर स्कैनर ट्रैक बॉल और मॉनिटर बताओ भाई किसको ये बताया था मैंने आपको वीडियो की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट ठीक है उसके अलावा किसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहते हैं वो पूछा जाता है और डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जाता है कि वीडियो क्या है आउटपुट डिवाइस है या इनपुट डिवाइस है ठीक है ओके विवेक मौर्य गुड मॉर्निंग मैम अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विवेक मौर्य सोनिया गुड मॉर्निंग मैम अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सोनिया ओके तमन्ना पाठक सी ट्रैक बॉल अच्छा मुदित मॉनिटर वेरी गुड मुदित क्या बात है बहुत बढ़िया तमन्ना पाठक ओके ठीक है डी देखो वीडियो यानी विजुअल विजुअल आप देख पा रहे हो जिसको राइट और देख आप कहां पर सकते हो मॉनिटर पर आप देख सकते हो राइट तो मॉनिटर को विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जाना जाता है और मॉनिटर क्या है तुम्हारा एक आउटपुट डिवाइस है ठीक है मॉनिटर क्या है तुम्हारा एक आउटपुट डिवाइस है वीडियो आउटपुट डिवाइस है हां जी शिवांश दुबे गुड मॉर्निंग मैम वेरी गुड मॉर्निंग टू यू शिवांश दुबे उसके अलावा ट्रैक बॉल क्या है इनपुट है या आउटपुट है बताओ भाई रितेश अग्रवाल मॉनिटर वेरी गुड रितेश मुझे बताओ कि ट्रैक बॉल क्या है इनपुट है या आउटपुट है कौन सा डिवाइस कौन सा उपकरण है ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस वेटिंग फॉर योर आंसर जल्दी बताओ उड़ी बाबा ट्रैक बॉल आउटपुट कैसे हो गया बच्चे मुदित इनपुट वेरी गुड इनपुट डिवाइस ठीक है ट्रैक बॉल से हम कमांड देते हैं ठीक है ठीके? और वो कमांड का रिजल्ट जो शो होता है वो आउटपुट डिवाइस पर होता है तो ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है और ये इनपुट डिवाइस है बिल्कुल माउस की तरह काम करता है बाकी ये दो टर्म प्रिंटर और स्कैनर बताओ स्कैनर क्या है इनपुट या आउटपुट पॉइंट इनपुट वेरी गुड सोनिया इनपुट प्रियंका इनपुट बहुत बढ़िया पोली जीरो सेवन नाइन इनपुट ओके वेरी गुड चलो ये बताओ मुझे स्कैनर क्या है इनपुट है या आउटपुट है जल्दी बताओ स्कैनर स्कैनर और प्रिंटर में हमेशा कंफ्यूजन होती है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में हमेशा कंफ्यूजन रहती है ठीक है तो उसको सॉल्व करके रखो उसको दिमाग में बिठाकर रखो जब हजार क्वेश्चन करोगे ना उसके बताओ अपने आप हो जाएगा पूरी बाबा हाँ बताओ भाई मुदित स्कैनर स्कैनर क्या है तुम्हारा इनपुट डिवाइस है ठीक है और प्रिंटर क्या है तुम्हारा वेरी गुड प्रियंका इनपुट स्कैनर इनपुट रितेश वेरी गुड अब मुझे बताओ प्रिंटर क्या है भाई प्रिंटर क्या है इनपुट है आउटपुट है बताओ प्रिंटर क्या है इनपुट या आउटपुट बताओ बताओ भाई प्रिंटर इनपुट है या आउटपुट है वेरी गुड आर के दिवाकर वेरी गुड आउटपुट डिवाइस है आपका प्रिंटर ठीक है इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन प्लीज अभी ठीक कर लो प्रिंटर और स्कैनर के बीच में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं बहुत इजी क्वेश्चन आपसे देख रहे हो ना ये सारे पी वाई से तो आप लेवल देख सकते हो कि कितना इजी लेवल uh, जो है वो पूछा जाता इतना तो टफ नहीं पूछा जाता ओके सो डैश इज अ रीडिंग डिवाइस दैट रीड्स प्रिंटेड टेक्स्ट बाय स्कैनिंग इट कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डैश एक रीडिंग डिवाइस है जो मुद्रित पाठ को अक्षर दर अक्षर स्कैन करके पढ़ता है आपके ऑप्शन में है ट्रैक बॉल डिजिटाइजर मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर दैट इज योर एम और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी तुम्हारा ओ ठीक है प्रिंटर आउटपुट है स्कैनर इनपुट है वेरी गुड सोनिया वेरी गुड गाइस चलो ये बताओ मुझे बताओ भाई ओसीआर को लॉक करें मैम रितेश ठीक है मुदित ओसीआर वेरी गुड मुदित एंड रितेश ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो क्या है एक आपका रीडिंग डिवाइस है एम भी आपका रीडिंग डिवाइस है ये भी रीड ही करता है लेकिन डिफरेंस कहां पर आता है आपका ओसीआर आपका कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चीजों को आपका जो है आपका रीड करता है ठीक है एम आई सी आर कहाँ पर इस्तेमाल होता है कहा पर यूज होता है एम आई सी आर का मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर का कहां पर इस्तेमाल होता है हम्म तो न्यूमेरिक कोड होता है प्रोडक्ट पर लिखा हुआ आपके जो चेक होते हैं ना चेक नीचे आपने देखा होगा बड़ा ही सुंदर सुंदर राइटिंग में सीरियल नंबर लिखे हुए होते हैं ठीक है ठीके? तो वो आपके मैग्नेटिक इंक में लिखे हुए होते हैं और वही इंक को उसको रीड करने के लिए हमारे पास एम आई सी आर चाहिए होता है ठीक है तो जितने भी आपके मैग्नेटाइज्ड इंक uh, में लिखे हुए या मैग्नेटाइज कैरेक्टर्स होता है उनको रीड करने के लिए हमें चाहिए होता है बहुत ही ज्यादा ह्यूमन फ्रेंडली होता है उसके अलावा ट्रैक बॉल अब पढ़ चुके हैं नया शब्द यहाँ पर है डिजिटाइजर 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 क्या होता है कि कोई भी एनालॉग इंफॉर्मेशन होती है जैसे कोई भी एनालॉग सिग्नल है उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें डिजिटाइजर चाहिए होता है अब एनालॉग सिग्नल क्या होता है अच्छा मुझे बताओ जो आ, जो प्रेशर होता है आप अपनी स्क्रीन को टच कर रहे हो टाइप करने के लिए टच कर रहे हो तो प्रेशर डाल रहे हो ना भले ही जेंटल प्रेशर है लेकिन वो प्रेशर क्या है वो एनालॉग सिग्नल है या वो डिजिटल सिग्नल है बताओ मुझे हाँ एम एम आई सी आर इनपुट है यूज फॉर बैंक में वेरी गुड ठीक है बहुत बढ़िया वही बताए डिजिटाइजर होता है आपका जो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है उसको हम डिजिटाइजर बोलते हैं ठीक है ओके अब मुझे बताओ कि जो तुम्हारा प्रेशर है प्रेशर क्या है आपका एक सिग्नल है ठीक है तो वो प्रेशर एनालॉग सिग्नल में आता है या डिजिटल सिग्नल में आता है और ये क्वेश्चन पूछा गया है कहीं कई बार बताओ बताओ भाई आशु कुमार हां ठीक है ओके बताओ भाई प्रेशर क्या है एनालॉग सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है प्रेशर तुम्हारा जो है वो एनालॉग सिग्नल है ठीक है प्रेशर हो गया आप जो बोल रहे <laughs> सॉरी आप जो बोल रहे हो ठीक है ये सब क्या है तुम्हारे तुम्हारे ये ये सब एनालॉग सिग्नल है कंप्यूटर को समझ में नहीं आता है ये प्रोसेसर को समझ में नहीं आता है प्रोसेसर को हमेशा चीजें डिजिटल वे में समझ में आती है ठीक है तो इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमेशा वहां पर आपका डिजिटाइजर मौजूद होगा ठीक है ओके में से कौन सा कंप्यूटर का output device है? और बहुत बढ़िया. चलो मुझे बताओ कि इसमें से कौन सा जो है वो कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है मैंने आपको हार्डवेयर बताए थे हार्डवेयर मैंने आपको चार टाइप्स लिखवाए थे इनपुट आउटपुट और आपका एक लिखवाया था स्टोरेज डिवाइसेस और एक आपका जो है कंपोनेंट इन एम्बेडेड कंपोनेंट कॉम्पोनेट कुछ ऐसा लिखवाया था मैंने आपको तो बताओ भाई यहां पर कौन सा है कौन सा जो है आपका आउटपुट डिवाइस है प्लॉटर पेनड्राइव जॉयस्टिक और स्कैनर मुझे पता था तुम लोग यही बोलोगे ठीक है सोनिया डी डी कैसे हो गया भाई स्कैनर आउटपुट का है भाई स्कैनर तो इनपुट है ना यही तो अभी बोला था मैंने तुम्हें स्कैनर और प्रिंटर में कंफ्यूज मत होना वही सेम चीज आप बार बार किए जा रहे हो होली बी दैट इज योर पेन ड्राइव सोच लो भाई सोच लो <coughs> मैंने अभी क्या बोला तुम्हें कि मैंने हार्डवेयर मैंने तुम्हें क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही बोला कि हार्डवेयर मैंने तुम्हें चार टाइप्स लिखवाए जिसमें इनपुट आउटपुट और स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव क्या है तुम्हारी पेन ड्राइव तुम्हें रिजल्ट शो करती है पेन ड्राइव की मदद से तुम इनपुट डालते हो नहीं तो क्या काम है ड्राइव का ड्राइव का, का काम होता है आपके डेटा को स्टोर करके रखने का तो ड्राइव तुम्हारा जो है वो स्टोरेज डिवाइस है ना वो इनपुट है ना वो आउटपुट है वो क्या है एक स्टोरेज डिवाइस है ड्राइव हो गया फ्लैश मेमोरी हो गया फ्लॉपी डिस्क हो गया ये सब तुम्हारे स्टोरेज डिवाइसेस में आते हैं इनपुट आउटपुट में नहीं आते तो बचता है प्लॉटर जॉयस्टिक और स्कैनर स्कैनर अभी बताया कि स्कैनर तुम्हारा इनपुट डिवाइस है स्कैनर क्या है तुम्हारा इनपुट डिवाइस है बचते हैं दो ऑप्शन प्लॉटर और जॉयस्टिक जॉयस्टिक का इस्तेमाल हम गेमिंग पर्पसेस के लिए यूज करते हैं यह भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है बिल्कुल माउस की तरह काम करता है ये भी क्या है आपका कमांड दे रहा है तो ये भी क्या हो गया इनपुट डिवाइस हो गया बचता क्या है प्लॉटर प्लॉटर और प्रिंटर दोनों क्या है तुम्हारे आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं प्लॉटर जो हाई डेफिनेशन वाले काम होते हैं एडवांस काम जो होते हैं एडवांस जैसे थ्री मॉडल हो गया मैप हो गए डिजाइन हो गए हाँ मेमोरी कार्ड वेरी गुड मुझे नहीं पता मैम इट्स ओके नहीं पता तो कोई बात नहीं ठीक है आप पता चल गया ना ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एलसीडी इज अ बेसिक टाइप ऑफ मॉनिटर वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ फुली हमेशा जितनी भी चीजें आपके पास है इवन सी पीयू जो कि आपको रटा हुआ होगा उसकी फुल फॉर्म सीपीयू तक की फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है ठीक है तो एलसीडी एक बुनियादी प्रकार का मॉनिटर है एलसीडी का पूर्ण रूप क्या है लेजर क्रिस्टल डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल डायोड लाइट कॉम्पोनेंट डिवाइस या लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बताओ भाई सेकेंडरी मेमोरी uh, में यूज ड्राइव हाँ मेमोरी भी अभी करेंगे प्राइमरी मेमरी और सेकेंडरी मेमरी सेकेंडरी मेमोरी में तुम्हारा ड्राइव और तुम्हारा फ्लैश मेमरी ये सब आता है फ्लॉपी डिस्क ये सब उसमें तुम्हारा सेकेंडरी मेमरीज में आता है ठीक है चलो बताओ मुझे इसका क्या आंसर होगा आर के दिवा दिवाकर डी प्रियंका ठाकरी डी ओके वेरी गुड हां जी, डी इज द करेक्ट आंसर एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ठीक है एलसीडी की फुल फॉर्म होती है तुम्हारी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डिस्प्ले और ये क्वेश्चन पता है ट्वेंटी ट्वेंटी वन में सी एच एस एल में पूछा गया था ठीक है ट्वेंटी ट्वेंटी वन में सी एच एस एल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है ओके okay, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइजेस एक्सेप्ट रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इन अ मशीन रीडेबल फॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है माइक्रोफोन प्रिंटर ग्राफिक टैबलेट और माउस लाइट कंपोनेंट डिवाइस ओके लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ओके ठीक है चलो बताओ मुझे क्या होगा इसका पहले ना क्वेश्चन को समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वो उपकरण है जो आपका मशीन रीडिंग uh, यानी डिजिटल फॉर्मेट में वो चीजों को एक्सेप्ट करता है और फिर उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म यानी एनालॉग uh, जो है एनोलॉग uh, सिग्नल्स uh, में या एनोलॉक वे में उसको कन्वर्ट कर देता है ठीक है तो यानी यहाँ पर बात हो रही है एक आउटपुट डिवाइस की अब वो पूछा जा रहा है कि इनमें से वो कौन सा आउटपुट डिवाइस है जिसके इस्तेमाल से जो है ये चीज होती है क्यों क्योंकि आउटपुट डिवाइस का ये फीचर भी तो होता है ना कि वो आपका जो मशीन लैंग्वेज होती है उस मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ये काम होता है आउटपुट डिवाइस का राइट right? तो इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है बस आपसे इतना पूछा है यहां पर बताओ मुझे इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है माइक्रोफोन प्रिंटर ग्राफिक टैबलेट और माउस ओके okay, देखो अगर देखा जाए तो माइक्रोफोन ग्राफिक टैबलेट और माउस ये तीनों क्या है तुम्हारे ये तीनों तुम्हारे इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस यानी ये क्या करते हैं ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल या ह्यूमन रिडेबल लैंग्वेज को आपका कन्वर्ट करते हैं किसमें ये कन्वर्ट करते हैं, फिर मशीन लैंग्वेज में ताकि उसको मशीन आसानी से समझ पाए तभी वो उसको प्रोसेस कर पाएगी एग्जीक्यूट कर पाएगी राइट right? ओके okay? तो बचता क्या है तुम्हारा प्रिंटर सिर्फ प्रिंटर ही है जो आपका मशीन लैंग्वेज को ह्यूमन रिडेबल फॉर्म में या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ठीक है आर के दिवाकर बी सोनिया बी प्रियंका प्रिंटर वेरी गुड आर के दिवाकर सोनिया प्रियंका बहुत बढ़िया प्रिंटर क्या है इसका सही जवाब है ठीक है चलो नेक्स्ट विच ऑफ द इज़ नॉट एन आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है आपके ऑप्शन है मॉनिटर स्पीकर स्कैनर और प्रिंटर बहुत सिंपल सा है मैंने आपको त, आ, कल आ, बार बार आपको बोल रही हूं कि स्कैनर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस कौन से हैं इनपुट डिवाइस कौन से ये लिस्ट आपको रटी हुई होनी चाहिए सिर्फ चार पांच चीजों को रटने से काम नहीं चलेगा पूरी की पूरी लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा है बताओ भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है मॉनिटर स्पीकर स्कैनर प्रिंटर वेरी गुड प्रियंका स्कैनर होली स्कैनर सोनिया सी आर के दिवाकर स्कैनर बहुत बढ़िया स्कैनर क्या है तुम्हारा स्कैनर इनपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस बाकी है मॉनिटर स्पीकर प्रिंटर ये सब क्या है आउटपुट डिवाइस है बहुत बढ़िया चलो वेरी गुड आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर निम्नलिख में से कौन सा कंप्यूटर का आंतरिक भाग नहीं है रैम फ्लैश ड्राइव वीडियो कार्ड और इसमें से कौन सा है जो कंप्यूटर का आंतरिक यानी इंटरनल पार्ट नहीं है बताओ भाई कौन सा है? ओके सोनिया मोस्ट वेलकम और अभी घबराने की भी जरूरत नहीं है अभी मैंने दोबारा से ही सारी चीजों को शुरू किया है तो जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है तो उन्हें अपने ऊपर ज्यादा बर्डर लेने की जरूरत नहीं है अभी मैंने सिर्फ हार्डवेयर आपको करवाया उसमें भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस अभी करवाए ठीक है तो हम सारी चीजों को दोबारा से कर रहे हैं ताकि अच्छे से रिवीजन भी हो सके और जहां अगर कहीं कंफ्यूजन हुई हो तो जो रह गई हो कंफ्यूजन उसको भी हम जो है सॉल्व कर सके ठीक है बाकी मोस्ट वेलकम बच्चा होली फ्लैश ड्राइव क्या बात है होली ओके okay. बाकी भाई देखो रैम जो है वो तुम्हारे सीपीयू का पार्ट होता है मेमोरी में अगर आप जाओगे सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं ना सी यू ए एल यू और मेमोरी मेमोरी में सबसे फास्टेस्ट जो है आपकी जो बेसिस पर चीजों को मतलब स्टोर करके रखते हैं वो तुम्हारा रैम हो गया रैम हो गया रोम हो गया ठीक है वो वहां पर आपका कैच मेमोरी वो आपका मेमोरी पोर्शन में आपको देखने को मिल जाएगी तो मेमोरी क्या हो गया और सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्यों क्योंकि वो प्रोसेसिंग डिवाइस है अगर सीपीयू नहीं होगा तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी हो तब भी कंप्यूटर इनकम्प्लीट है वो काम कर ही नहीं पाएगा तो रैम क्या है वो मैंडेटरी है रैम भी इंटरनल पार्ट हो गया वीडियो कार्ड आप जो भी विजुअल्स देखते हो मॉनिटर के ऊपर वो तब भी पॉसिबल है जब मॉनिटर के अंदर वीडियो कार्ड हो अगर वीडियो कार्ड नहीं है तो वीडियो देख पाना या विजुअल्स देख पाना पॉसिबल नहीं है तो वीडियो कार्ड और ऑडियो कार्ड दोनों मैंडेटरी है मदरबोर्ड जो है वो होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मदरबोर्ड पर ही आपका रैम हो गया प्रोसेसर हो गया ये सारी चीजें आपकी मदर बोर्ड पर ही अगर मदरबोर्ड नहीं है तो कंप्यूटर फिर किसी काम का नहीं है वो चलेगा ही नहीं तो बचता क्या है तुम्हारा फ्लैश ड्राइव फ्लैश ड्राइव जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज का पार्ट है सेकेंडरी स्टोरेज नहीं भी होगी तो भी चलेगा कंप्यूटर बिल्कुल परफेक्टली काम करेगा तो फ्लैश ड्राइव क्या है वो कंप्यूटर का इंटरनल कॉम्पोनेंट नहीं है रैम वीडियो कार्ड और मदरबोर्ड कंप्यूटर का इंटरनल कॉम्पोनेंट है ठीक है वेरी गुड रितेश सोनिया प्रियंका मॉनिटर तो है ही नहीं बच्चे इसमें तांत्रिक गुड मॉर्निंग मैम वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ओके अच्छा हाँ आप आ, काफी नए बच्चे आ गए मैं उनको बता दू दोबारा से मैं इस चीज को रिपीट कर रही हूँ भाई कि एस एस का मैं और हिमानी मैम दोनों जो है वो क्विज बैच लेकर आए हैं अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एंड इफ यू आर प्रिपेयर फॉर प्रिपेयरिंग फॉर एस एस सी जी डी तो क्योंकि उसकी अभी बहुत सारी बंपर वैकेंसीज आई हैं ठीक है थीके? तो आप उस कुछ क्विज बैच को जो है कर सकते हो वहां पर हर टॉपिक पर जितने भी जीएस के सब्जेक्ट है स्ट्राटेजी के करंट अफेयर हिस्ट्री जोग्राफी साइंस पॉलिटी सब पर थ्री थाउजेंड प्लस क्वेश्चन जो अभी लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड है ठीक है वो करवाए जाएंगे वहां पर और आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे जाएंगे तो मैं आपको दोबारा बार बार रिपीट करवाई क्यों क्योंकि वो आपके आ, आपकी प्रैक्टिस यानी आपके प्रिप्रिएशन को और ज्यादा बेटर बना सकता है तो इफ यू वांट यू कैन परचेस दैट ठीक है चलो नेक्स्ट विच अमंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है ठीक है बेसिकली आपसे यही पूछा गया है कि इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है रैकबॉल प्लॉटर लाइट पेन और मैग्नेटिक स्कैन हां जी बच्चे दे दिया ओके okay, तमन्ना पाठक डी तमन्ना पाठक इनपुट ओके okay बच्चे ठीक है चलो बताओ भाई विच अमंग द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है ट्रैक बॉल प्लॉटर लाइट पेन मैग्नेटिक स्कैनर हाँ जी बच्चे दिल्ली पुलिस सी एच एस एल एन टी पी और तुम्हारा सीजीएल इन सब के लिए और कुछ स्टेट एग्जाम्स में दिल्ली पुलिस के अलावा और भी स्टेट एग्जाम्स में आपका कंप्यूटर पूछा जाता है तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आपका जो है ये क्लास जो है वैलिड है ठीक है आप ले सकते हो उस क्लास को गुरमान मान प्लॉटर ठीक है प्रियंका प्लॉटर होली प्लॉटर वेरी गुड जी, सोनिया बी प्लॉटर बहुत बढ़िया वेरी गुड गाइस प्लॉटर क्या है तुम्हारा प्लॉटर तुम्हारा आउटपुट डिवाइस है लैंग्वेज से बस तुम्हें एक चीज समझनी है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है आपसे इनपुट डिवाइस पूछा जा रहा है आपसे आउटपुट डिवाइस पूछा जा रहा है ठीक है एग्जामिन जान बुझ कर ऐसी करता है ताकि जादा से जादा, जो है स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन आया वो गलत कर दे ठीक है तो प्लॉटर क्या है तुम्हारा प्लॉटर तुम्हारा आउटपुट डिवाइस है उसके अलावा ट्रैक बॉल लाइट पेन और मैग्नेटिक स्कैनर्स ये सब क्या है तुम्हारे ये सब तुम्हारे इनपुट डिवाइसेस है ठीक है ओके चलो नेक्स्ट पर आते हैं कोशिश करेंगे यार सारे ही क्वेश्चन कर लें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस फॉर अ कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के लिए आउटपुट डिवाइस नहीं है इस लैंग्वेज से भी जो है कंफ्यूज किया जाता है क्यों क्योंकि हम जो ये नॉट है ना इस नॉट पर ध्यान नहीं देते हैं ठीक है तो इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है प्रिंटर स्कैनर प्रोजेक्टर मॉनिटर मैम आपका स्टेट कौन सा है देखो मेरे ना दो स्टेट हैं एक्चुअली मेरा आ, मैं जो बॉर्न हुई थी ठीक है वो यूपी में है ठीक है और बचपन से जो ब्रोट अप जो परवरिश हुई है वो सारी की सारी दिल्ली में हुई है तो बचपन से मैं दिल्ली में हूँ लेकिन जन्म मेरा यूपी में हुआ था तो मैं दोनों ही स्टेट से बिलोंग करती हूँ यूपी एंड दिल्ली दोनों ओके okay. गुरमान मान स्कैनर होली स्कैनर सोनिया बी आर के दिवाकर प्रिंटर देखा वही मैंने कहा था ना एक ना एक बच्चा जरूर होगा जो स्कैनर और प्रिंटर में कंफ्यूजन मतलब करेगा ही कंफ्यूज होगा ही होगा भाई प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है क्वेश्चन ही तो यही है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है प्रिंटर तुम्हारा आउटपुट डिवाइस है स्कैनर तुम्हारा आउटपुट डिवाइस नहीं है ठीक है स्कैनर क्या है स्कैनर तुम्हारा आउटपुट डिवाइस नहीं है बचता क्या है बाकी प्रिंटर प्रोजेक्टर और मॉनिटर तीनों के तीनों तुम्हारे आउटपुट हैं। कहीं ना कहीं है, दिमाग में कंफ्यूजन जो है रह जाती है, है ना? चलो नेक्स्ट। फॉलोइंग डिवाइस इज यूज इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइन सी एडी निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड जैसे अनु अनुप्रयोगों में किया जाता है आपके ऑप्शन है स्कैनर्स प्लॉटर, स्पीकर और पैंटोग्राफ बताओ मॉनिटर होगा शायद हे भगवान देखो तुम्हें अगर नहीं कैड में अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है कंप्यूटर एडेड क्या है ये डिजाइन में आपके जो मैप्स होते हैं ना मैप्स हो गए आर्किटेक्चर के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको जो डिजाइन किया जाता है उन डिजाइन को हम कैड बोलते हैं ठीक है कंप्यूटर पर ही उन सब चीजों को डिजाइन किया जाता है हाथ से नहीं बनाया जाता है ठीक है तो उसको हम कैड जो कंप्यूटराइज डिजाइन होते हैं उनको हम कैड बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन बोलते हैं तो इसमें से कौन सा है जिसका इस्तेमाल हम कंप्यूटर में उन डिजाइन को या तो बनाने में या प्रिंट करने में उनका इस्तेमाल किया जाता है ठीक है बताओ भाई इसका जो सही आंसर है वो आपका प्लॉटर है प्लॉटर का मैंने आपको बताया था ना कि जितने भी ये लिखवाया था कि मैप्स हो गए डिजाइन हो गए ठीक है उनको फास्ट तरीके से ड्रॉ करने के लिए और प्रिंट करने के लिए वी ऑलवेज यूज प्लॉटर नेक्स्ट बाबा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस शामिल है आपके ऑप्शन में है स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर माउस प्रिंटर मॉनिटर प्लॉटर प्रिंटर एंड मॉनिटर बताओ भाई कौन सा है जिसमें जो तीन कॉम्बिनेशन आपको दिए तीन आपको डिवाइसेस दिए हर ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन से प्योरली आपके आउटपुट डिवाइसेस है वहां पर कोई भी इनपुट डिवाइस मिक्स नहीं किया गया तो बताओ भाई कौन सा है गुरमान डी तांत्रिक डी ओके वेरी गुड गुरमान एंड तांत्रिक ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर ये तीनों क्या है तुम्हारे आउटपुट डिवाइस है उसके अलावा स्कैनर तुम्हारा इनपुट डिवाइस है ठीक है कीबोर्ड तुम्हारा इनपुट डिवाइस है माउस तुम्हारा इनपुट डिवाइस है ठीक है ओके चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट ऑफ़ द इज़ एन आउटपुट डिवाइस इन अ कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस है माउस प्रिंटर स्कैनर और वेबकै बताओ भाई कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस है सिंपली आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से आउटपुट डिवाइस है बताओ भाई बिल्कुल स्लो के तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना स्लो करके पढ़ाऊंगी तो आप तो सारी क्वेश्चन कर पाओगे दिन के कैसे होगी फिर प्रैक्टिस हाँ बताओ विच ऑफ द इज एन आउटपुट डिवाइस इन कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस है, है? माउस प्रिंटर स्कैनर वेब कैम प्रियंका प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर वेरी गुड ठीक है प्रियंका ठाकरी डी तांत्रिक बी गुरमान प्रिंटर सोनिया बी ओके आर के प्रिंटर वेरी गुड चलो प्रिंटर और स्कैनर की कंफ्यूजन यहां पर खत्म होगी ठीक है प्रिंटर क्या है तुम्हारा इनपुट है स्कैनर तुम्हारा आउटपुट है उसके अलावा जो वेब काम है ये भी क्या है तुम्हारा इनपुट है चलो बहुत बढ़िया आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है कीबोर्ड मॉनिटर जॉयस्टिक और स्कैनर बताओ इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है होली भी प्रियंका प्रिंटर्स बहुत बढ़िया वेरी गुड चलो बताओ मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है कीबोर्ड मॉनिटर जॉयस्टिक और स्कैनर तांत्रिक मॉनिटर क्या बात है वेरी गुड बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच गुरमान वेरी थैंक यू सो मच ओके चलो बताओ मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इज एन आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है कीबोर्ड मॉनिटर जॉयस्टिक स्कैनर होली बी सोनिया बी गुरमान मॉनिटर होली बी वेरी गुड हां जी मॉनिटर मॉनिटर इज अ करेक्ट आंसर मॉनिटर जो है वो तुम्हारा क्या है आउटपुट डिवाइस है उसके अलावा कीबोर्ड जॉयस्टिक और स्कैनर ये सब क्या है आपके इनपुट डिवाइस बहुत बढ़िया चलो आगे बढ़ते हैं विच आर द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है आउटपुट डिवाइस पर करने के बाद आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ठीक है तो यहां से इनपुट और आउटपुट डिवाइसिस की कंफ्यूजन समाप्त हो जानी चाहिए ठीक है ओके सो ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है एम आई सी आर माउस प्रिंटर ओ सी आर जीएफ नहीं है तो भी दुखी हो भाई जीएफ होती है ना इंसान की तो वो दुखी होता है तुम तो उल्टे ही चल रहे हो प्रियंका ठाकरी बी मॉनिटर ओके okay, गुरमान प्रिंटर होली सी सोनिया सी Uh, तांत्रिक ए और डी होली सी आर के दिवाका प्रिंटर ओके okay. भाई बिल्कुल सही है जिन लोगों ने सी चूज किया है प्रिंटर इज अ करेक्ट आंसर एम आई सी आर की फुल फॉर्म भी हाँ फुल फॉर्म एम आई सी आर हो चाहे तुम्हारा ओ सी आर हो दोनों की फुल फॉर्म तुम्हें पता होनी चाहिए ठीक है यहां से तीन फुल फॉर्म्स आपकी पूछी जाती है एक तो वीडियो हो गया आ, नहीं एक्चुअली तीन ही चार पूछी जाती है एक तो आपका एल सी डी हो गया वीडियो हो गया एम आई सी आर हो गया और ओसीआर हो गया ठीक है ओके सो एम आई सी आर माउस और ओसीआर, ये तीनों क्या है तुम्हारे इनपुट डिवाइस है बाकी बचता है प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइसेस इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस अब देखो यहां पर मुझे लग रहा है कि आप काफी मतलब गलत कर सकते हो क्यों क्योंकि अभी तक सिर्फ कौन सा आउटपुट डिवाइस है ये पूछा जा रहा था अब डायरेक्टली क्या है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है पूछा जा रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है आपके ऑप्शन है कंप्यूटर स्क्रीन हेडफोन्स माउस और प्रिंटर बताओ भाई कौन सा है मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर वेरी गुड आर्किट दिवाकर बहुत बढ़िया चलो बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर डिवाइस इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है कंप्यूटर स्क्रीन हेडफोन्स माउस प्रिंटर यहां पर कंप्यूटर स्क्रीन की बात कर रहे हैं ना तो यहां पर बात कर रहे हैं आपके मॉनिटर की ठीक है यहां पर बात कर रहे हैं आपके मॉनिटर की तो मॉनिटर जहां तक मुझे पता है कि आउटपुट डिवाइस ही है राइट तो बाकी क्या है बचते आपके हेडफोन्स माउस और प्रिंटर बताओ भाई प्रियंका मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकोगनाइजेशन बहुत बढ़िया तांत्रिक माउस ओके वेरी गुड सोनिया सी तमन्ना बी होली सी आर के दिवाकर बी होली सी तमन्ना पाठक माउस वेरी गुड हाँ जी भाई देखो माउस क्या है तुम्हारा माउस तुम्हारा इन इनपुट डिवाइस है ठीक है ये क्या है आपका इनपुट डिवाइस है बाकी प्रिंटर हेडफोन और कंप्यूटर स्क्रीन ये सब क्या है तुम्हारे आउटपुट डिवाइस है हेडफोन्स भी तुम्हें रिजल्ट ही तो शो कर रहा है ना आपने सॉन्ग सुनना था तो वो जो सॉन्ग आप सुन रहे हो रिजल्ट है क्योंकि आपने कमांड दी थी राइट तो उस कमांड का रिजल्ट यहां पर शो हो रहा है तो इसलिए हेडफोन्स भी तुम्हारे आउटपुट डिवाइसेस में आते हैं ओके okay, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है भाई कंप्यूटर मॉनिटर इज ऑल्सो नोन बाय द नेम कंप्यूटर मॉनिटर को इस नाम से भी जाना जाता है सीसीटीवी एलईडी सीपीयू और वीडियो ठीक है और इन चारों की आप फुल फॉर्म भी मुझे बताओगे बताओ, बताओ भाई जो सीपी कंप्यूटर है उसको कौन से मतलब किस नाम से जाना जाता है वेरी गुड तांत्रिक डी वीडियो ओके बहुत बढ़िया ठीक है विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या बात है तांत्रिक बाके मंडल सी सीपीयू भगवान गुरमान मान वीडियो तमन्ना पाठक वीडियो ओके ओके वेरी गुड गुरमान रितेश वीडियो हां जी वीडियो मॉनिटर को हम वीडियो के नाम से जानते हैं और वीडियो की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी विजुअल डिस्प्ले यूनिट ठीक है फिर आता है तुम्हारा सीपीयू सीपीयू तुम्हारा प्रोसेसिंग डिवाइस है यहां पर जितना भी प्रोसेसिंग का काम होता है वो आपका सीपीयू में होता है आपके आपको सॉफ्टवेयर भी मिलेंगे तो सीपीयू की जो फुल फॉर्म है वो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्योंकि ये बीच में है इनपुट और आउटपुट के इसलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग का काम करता है प्रोसेसिंग वाली यूनिट है तो इसलिए इसका नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एलईडी ठीक है जो छोटी छोटी एलईडी लाइट्स नहीं होती तो ये आपकी आ, उनको हम एलईडी बोलते हैं इसकी फुल है, बसता है फिर तुम्हारा सीसीटीवी सीसीटीवी की फुल फॉर्म क्या होगी बहुत बढ़िया अरे भाई वो एलसीडी है बच्चे प्रियंका लेटर्स भी तो देखो एल सी डी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यहां पर आपसे पूछा गया एल ईडी दैट इज योर लाइट एमिटिंग डायोड अब बारी आती है तुम्हारी सीसीटीवी की सीसीटीवी क्या है भाई क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन ठीक है क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन ये तुम्हारा सीसीटीवी वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एलईडी लाइट एमिटिंग डायोट और सीसीटीवी क्लोज सर्किट टेलीविजन ठीक है वेरी गुड प्रियंका वेरी गुड गाइस बहुत बढ़िया तमन्ना प्रियंका हिंद एनमी सोनिया आर के दिवाकर गुरमान बहुत बढ़िया वेरी गुड चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है नेक्स्ट हाउ मेनी कलर्स आर अवेलेबल इन अ कंप्यूटर मॉनिटर विथ 16 बिट्स पर पिक्सेल डेप्थ 16 बिट प्रति पिक्सेल गहराई वाले कंप्यूटर मॉनिटर में कितने रंग उपलब्ध होते हैं ऑप्शंस हैं 65536 256 16 triple seven to one six और 16 बताओ भाई कितने पिक्सेल्स मौजूद होते हैं फिफ्टी सिक्स हाइट कितनी है फाइव नाइन फाइव नाइन है अपन की हाइट ओके इट्स ओके बच्चा, इट्स ओके। चलो, 256 में भी तांत्रिक नहीं बिट पर पिक्सल डेप्थ वाले मॉनिटर में आपका जो कलर्स uh, मौजूद होते हैं सिक्स डबल फाइव थ्री सिक्स ठीक है सिक्स फाइव फाइव थ्री सिक्स कलर्स वहां पर मौजूद होते हैं ठीक है ओके व्हाट इज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है स्टोरेज यूनिट है मॉनिटर है सर्वर है या सिस्टम मेमोरी है बताओ बता दिया बच्चा बता दिया मैंने टू ओके तांत्रिक मॉनिटर हिंद मॉनिटर ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है बहुत बढ़िया चलो बताओ आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन हम्म लास्ट क्वेश्चन ये ओके व्हाट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट स्टोरेज यूनिट मॉनिटर सर्वर ओके okay. तमन्ना पाठक मॉनिटर ठीक है हां जी मॉनिटर इज अ करेक्ट आंसर वीडियो क्या है तुम्हारा मॉनिटर कहलाता है स्टोरेज यूनिट्स में आपका मेमोरी आ गया राइट right? और सर्वर आपका सेंट्रल कंप्यूटर होता है पूरे नेटवर्क में जो बाकी कंप्यूटर्स को जो है डेटा प्रोवाइड करता है और सिस्टम मेमोरी में तुम्हारा रैम और रोम आ जाता है ठीक है जो तुम्हारी सिस्टम की मेन मेमोरी होती है जो सीपीयू के अंदर होती है सीपीयू में तीन पार्ट्स होते हैं आपका एक कंट्रोल यूनिट होती है एक आपका ए होता है आर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट और फिर आपका मेन मेमोरी होता है जहां पर रैम रोम और कैच मेमोरी होती है ठीक है जो आपका कंट्रोल यूनिट है वो कैच मेमोरी से पहले काम मतलब इंटरेक्ट करता है अगर कैच मेमोरी में चीजें नहीं है तब जाके वो राम के पास जाना सबसे ज्यादा फास्टेस्ट आपका राम है ठीक है ओके माइन सिक्स थ्री ओ माय गॉड नाइन हम फाइव नाइन पे ही अटक गए उससे आगे हम बढ़ नहीं पाए ठीक है चलो सो आई होप कि आज का सेशन आप लोगों का अच्छा लगा होगा काफी क्वेश्चन कुछ नया आपने सीखा होगा और कुछ कन्फ्यूजन्स भी आपकी जो है वो दूर हुई होगी ठीक है कल हम मिलेंगे कल हम जो है आपका अभी हमने इनपुट कर लिया आउटपुट कर लिया राइट कल जो हम करेंगे कल हम सॉफ्टवेयर करेंगे ठीक है क्योंकि बाकी जो आपके इनपुट डिवाइस सॉरी हार्डवेयर के जो पार्ट है वो क्या है तुम्हारा इनपुट आउटपुट स्टोरेज क्योंकि स्टोरेज एक सेपरेट यूनिट है ठीक है तो उसको हम बाद में करेंगे तो कल हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आप भी सॉफ्टवेयर को रिवाइज कर, कर आइएगा ठीक है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे और थ्योरी को भी करेंगे तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई चीजों के साथ और बैच के बारे में आप लोगों को बताई चुकी हूं एस एस स्पेशल बैच है जीएस स्पेशल है आप उसको ज्वाइन कर लो आपको काफी बेनिफिशियल होगा वो ठीक है बाकी सारे एस एस एग्जाम्स में भी काफी बेनिफिशियल होगा क्योंकि जीएस का पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप स्टार्टेक जीके पढ़ना चाहते हो तो स्टेट के डी लाइफ पर दस से ग्यारह स्टार्टेक जीके की क्लास होती है आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो ठीक है तो कल मिलते हैं और सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव नेबर्स सबके साथ इसको शेयर करो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर